डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं स्टीम के, और आज आगे चलते चलते बारी आ गई है समझने की स्टीम टेबल की। स्टीम टेबल क्या होता है तो हम स्टीम टेबल समझाएं, स्टीम टेबल आपको दिखाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम बताएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस बताएं। उसके पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टीम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि व्हाट इज स्टीम। तो देखिए, सबसे पहले चूंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समझाने की संभवतः ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी पार्ट, सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक डिस्कस करें उसके पहले उसका बेसिक फंडामेंटल हम क्लियर कर दें। तो देखिए, अपना फंडामेंटल तो यही है कि ये लिक्विड है, ठीक है ना, और इस लिक्विड में जो है इसको हीटअप कर करके, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्ट किया है, और हीटअप करते हैं तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। अब देखिए यहाँ पर, ये स्टीम प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड वेपर, और वाटर मतलब प्योर लिक्विड, और स्टीम मतलब प्योर गैस, मतलब हैविंग नो लिक्विड कंटेंट, मतलब प्योर ड्राई, ठीक है। और ये कन्वर्जन कहाँ से शुरू होता है तो आपको हमने बताया था कि ये जो है बेसिकली आइस से होकर शुरू होता है। तो आइस से आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, चलिए हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर ही बता दें, उसके बाद एक एक डायग्राम बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आपका आइस है, इसको आपने हीटअप किया है, तो ये आइस यहाँ भी था, यहाँ भी आइस है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस, दैट यू कैन सेंस द टेम्परेचर, सो इट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसिबल हीट। अब फिर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही अब क्या मिल गया, वाटर, क्योंकि आपने हीट दिया है। तो मतलब इस स्टेज में सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, क्या है, सॉलिड भी है प्लस लिक्विड भी है। तो यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड कहने का मतलब क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज हो रहा है मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, लेटेंट हीट ऑफ आइस है यहाँ पे। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वहाँ वाटर है, यहाँ भी वाटर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, 0 डिग्री पे भी वाटर है और 100 डिग्री पे भी वाटर है, मतलब सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। फिर इस वाटर को देखें ध्यान से, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही यहाँ वेपर बन गया, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर इधर आप और हीटअप करते हैं तो क्या बन जाता है, स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम। तो दिस इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए, हम वाटर को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, समझिएगा बहुत अच्छे से, स्टीम टेबल तभी समझ में आएगा। क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर में वाटर को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, मतलब ये सारे प्रोसेस होने के बावजूद भी वाटर की कहीं भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, वाटर की कहीं भी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। आ रही बात समझ में, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, लेकिन वाटर से स्टीम जब बनता है तो उसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को, अब एक तो प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिया क्या, कि ये जब कन्वर्जन हुआ तो एक सेंसिबल हीट आया और दूसरा लेटेंट हीट आया। सेंसिबल हीट आप निकाल सकते हैं और लेटेंट हीट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम है इसके अंदर, उसको हम डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे डायग्राम पे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमने बताया था स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है ना। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास फॉर एनी टाइम एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द स्टीम टेबल, यही तो इम्पोर्टेंस है स्टीम टेबल की। फॉर द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे ये बताएंगे। तो ये तो सिर्फ अभी हम आपको याद दिला दें कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्या बताए थे, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब कि लिक्विड डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, लिक्विड पहले वेपर में, मतलब लिक्विड और स्टीम दोनों साथ में रहेगा, मतलब अमाउंट
ठीक है ना, डिग्री ऑफ स्टीम, जैसे इसको हम डिफिनेशन लिखे थे आपको दिखाएं, तो इफ 1 kg ऑफ लिक्विड वेपर मिक्सचर हैविंग एक्स के जी ऑफ वेपर एंड 1 - x kg ऑफ लिक्विड, मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब कि वाटर में स्टीम कितना ड्राई स्टीम है, कितनी ड्राइनेस हो गई, यदि ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 आ गया मतलब 100% ड्राई हो गया, वाटर है ही नहीं, प्योर ड्राई, ठीक है। कभी गलती से ऐसा हुआ हो आपसे कि प्रेशर कुकर में पानी रखे और आप कहीं चले गए गैस ऑन करके, तो प्योर ड्राई हो जाता है, नथिंग यू विल गेट, ठीक ना, लिक्विड उड़ गया, ठीक है, तो दैट इज द प्योर ड्राई, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। उसी तरह से ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है ना। अब हम जो है इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, कौन सी स्टीम की प्रॉपर्टीज, उसमें इंथैल्पी, दैट मीन्स की अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू स्टीम ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। कुल मिलाकर के जो वाटर है, आइस है, वेपर है, स्टीम है, उसके पास कितना एनर्जी कंटेंट है, उसकी अपनी कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। उसी तरह से अच्छा ये इंथैल्पी निकालते कैसे हैं, इंटरनल एनर्जी के हेल्प से निकालते हैं, एच जी देख रहे हैं आप, तो ये एच जो होता है बेसिकली, एच जो आप निकालते हैं, ठीक है ना, ये जो एच होता है आपका एच, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस पी डी वी वर्क जो आपने उसके ऊपर किया, ठीक है। क्योंकि जब आप हीटअप करते हैं तो वाटर की इंटर मोलिकुलर फोर्स चेंज हो जाती है और जो उसके मोलिकुल है उनके पास एनर्जी आ जाती है, उसी एनर्जी को बेसिकली इंथैल्पी हम कहते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम, ठीक है। इसके अलावा जो है एंट्रोपी इज अगेन अनदर प्रॉपर्टी। तो एंट्रोपी क्या होता है कि जो है आपका डी क्यू अपन टी, ठीक है ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपॉन सॉरी टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ जो है प्योर सब्सटेंस, एंट्रोपी ऑफ वाटर, ठीक है ना। और ये सब प्रॉपर्टी हम क्यों बता रहे हैं आपको, अच्छा ये सब एंट्रोपी और ये सब निकालने का फॉर्मूला भी हम आपको काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं कि वेट स्टीम के लिए, अब इसमें आपका वाटर के लिए अलग निकलेगा, आइस के लिए अलग निकलेगा, वेपर के लिए अलग निकलेगा, स्टीम के लिए अलग निकलेगा, सुपर हीटेड स्टीम के लिए अलग निकलेगा, सबके लिए अलग अलग निकालने के हमने मेथड भी बता चुके हैं, ठीक है। अब आ जाए हम कि इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर में आप देख पा रहे हैं कि क्या है ये, ठीक है ना। अब इसी फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखिए टेम्परेचर और हीट के रेस्पेक्ट में इसको ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर टेम्परेचर एंड इंथैल्पी डायग्राम ड्रॉ किए हैं। अब आप सिर्फ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको हमने बताया था टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, इसमें जो है सारे प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, ठीक है। ये आपका सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सेचुरेटेड वेपर लाइन है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पर, स्टीम में, ठीक है। ये क्या है आपका पी वी डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, ये क्या है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ जो है वाटर जहाँ पर कि सॉलिड, लिक्विड, स्टीम तीनों फेज एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। जब ड्राइनेस फ्रैक्शन पढ़ाए थे तो उस समय भी आपको बताए थे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन पी वी डायग्राम में ये देख सकते हैं कैसे है, ये देखिए आप, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन, टी एस डायग्राम, एच एस डायग्राम, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम, और फिर इसको डिटेल में हमने आपको मोलियर चार्ट में भी बताया था, मोलियर चार्ट पढ़ाए थे, मोलियर चार्ट में भी जो है आप एक एक पॉइंट देख सकते हैं कैसे देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको हम बताए थे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कैसे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लाइन होती है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, कैसे निकालते हैं ये जस्ट एक रिवीजन कर लीजिए ताकि स्टीम टेबल पढ़ने में मजा आए,
ये देखिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसको बोलते हैं आइसोथर्म प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कैसे वर्क डन निकालते हैं, हीट ट्रांसफर कैसे निकालते हैं, ये सब बता चुके हैं आपको। कॉन्स्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस ये भी बता चुके हैं, देखिए यहाँ पर ये हमने थ्रॉटलिंग प्रोसेस समझाया था, क्या होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है ना। फिर पीवी डायग्राम में, टीएस डायग्राम में, एचएस डायग्राम में कॉन्स्टेंट इंथैल्पी लाइन को हमने शो करके दिखाया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताए थे, और ये सब तो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस की पीवी डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, टीएस डायग्राम में कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन देख लीजिए ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये सब डायग्राम बनाने के बाद अब ये सारे प्रॉपर्टी आप गए हैं समझ, ठीक है। अब आपके सामने ये चार्ट है, तो ये एच एस चार्ट है। अब ये चार्ट से हम आपको कोई जो है वैल्यू पूछते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर और 20 मेगा पास्कल प्रेशर पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, आप बता पाएंगे? बहुत मुश्किल है। इंट्रोपी कितनी होगी बता पाएंगे? मुश्किल है। इंथैल्पी कितनी होगी बता पाएंगे? यदि हम आपको पूछते हैं कि प्रेशर जो है आपका, मान लीजिए कि 1 मेगा पास्कल है, ठीक है, या 10 मेगा पास्कल है, या 12 मेगा पास्कल है, ठीक है ना, प्रेशर कितना है 12 मेगा पास्कल है, और सेचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या वन, देखिए गिवेन एब्सोल्यूट प्रेशर पर गिवेन टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो उस प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, इंथैल्पी क्या होगा, आपसे कोई पूछता है स्टीम का, तो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, डिफिकल्ट है, निकाल तो लेंगे लेकिन डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल यूज करते हैं। अभी देखिए गैस टेबल है, इसी तरह से आपका स्टीम टेबल भी आता है दोस्तों। स्टीम टेबल जब आएगा तो देखिए इसमें जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, ये आप निकालेंगे, मैं अभी स्टीम टेबल भी दिखाऊंगा आपको, इसी तरह से आपका स्टीम टेबल भी होगा, ठीक है। अब देखिए स्टीम टेबल आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आप जो भी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है आपके पास उसके लास्ट के अपेंडिक्स में आप निकाल लीजिए। देखिए ये हम भी जो है किसी बुक से निकाले हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको समझना है सिर्फ, और इसी के आधार पर आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम, ठीक है ना, टेम्परेचर टेबल्स। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर टेबल है, टेम्परेचर दिया है, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये भी आपको मालूम चल जाएगा जनरल। फिर वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंथैल्पी ऑफ वाटर, इंथैल्पी ऑफ वाटर प्लस स्टीम मतलब वेपर, इवेपोरेशन में एच एफ, एच एफ जी, और ये एच जी, एच जी जो होता है एच जी इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी होता है, हम बता चुके हैं फिर नहीं बताएंगे, और ये एस एफ इंट्रोपी ऑफ लिक्विड, इंट्रोपी ऑफ वेपर, इंट्रोपी ऑफ स्टीम, ठीक है, इंट्रोपी ऑफ स्टीम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको हम लोग, अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें दिया होगा कि फाइंड आउट दी प्रॉपर्टीज या इंट्रोपी या इंथैल्पी एट गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर आप देख लीजिए सारा वैल्यू यहाँ मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टीम तक दिया है, मतलब सेचुरेशन वेपर लाइन तक दिया है, सुपर हीटेड के लिए अलग फार्मूला होता है जो मैं आपको बताया हूँ कई बार, ठीक है, टी सुपर हीटेड टेम्परेचर के लिए अलग होता है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अब इसको न्यूमेरिकल में जब यूज करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपको अब ये प्रेशर के बेसिस पे दिया है, देखिए यहाँ प्रेशर दिया है, ये प्रेशर लाइन है कि किस प्रेशर पर, ठीक है ना, और सबका यूनिट भी बाई दी दिया है, बार में दिया है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये क्या है वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जैसे मान लीजिए कि 5 bar पे देता है, तो 5 bar पे आपका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है ये आपको मालूम चल गया,
वाटर का जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, वेपर का कितना होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंथैल्पी लिक्विड का कितना होगा, इंथैल्पी वेपर का कितना होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ करके ये तीसरा मिल जाता है क्या, इंथैल्पी ऑफ स्टीम। फिर ये क्या है, एंट्रोपी ऑफ वाटर, फिर ये एंट्रोपी ऑफ वेपर, एंट्रोपी ऑफ स्टीम। ठीक है, तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। ठीक है ना, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर पाएंगे और कर सकते हैं आप। ठीक है, उसी तरह से अब जब आप जाते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए क्या दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। क्या है, सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम मतलब कि आपका जो है प्रेशर यदि आप घटाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर भी घटता है, और टेम्परेचर जनरल जो है 100 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको जो है सेचुरेशन वेपर लाइन मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है ये स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया आपका एच जी, ये आपको दिया है इस गिवन टेम्परेचर पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 150 पे, 200 पे, 250 पे आप निकाल सकते हैं। ये देखिए वी जी, एच जी और एस जी तीनों दिख रहा होगा, मतलब ये सबसे पहला वाला क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये क्या है स्पेसिफिक इंथैल्पी है, और ये क्या है स्पेसिफिक इंट्रोपी है। ठीक है, और ये सारी वैल्यू जो है हम लोग पर यूनिट मास निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब ये सब सुपर हीटेड स्टीम के लिए है, मतलब 700 डिग्री सेल्सियस पे यदि स्टीम है, ठीक है ना, 700 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है तो क्या है ये सुपर हीटेड ही तो है, क्या है सुपर हीटेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका स्टीम टेबल हुआ। स्टीम टेबल का आप जो है सबसे बड़ा फायदा है कि आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट लेकर के जा सकते हैं, इट इज परमिटेड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, वहाँ ले जा करके आप इत्मीनान से हर एक वैल्यू लिख सकते हैं कि गिवन वैल्यू क्या है। कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन हम लिखते हैं किसी भी बुक में, आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं वो कई बार दिया होता है और कई बार नहीं दिया होता है। जब नहीं दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से वैल्यू तो चाहिए, वैल्यू चाहिए कि नहीं, तो वैल्यू चाहिए इसका मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ द बॉयलर पर केजी ऑफ कोल फायर, इफ द बॉयलर प्रोड्यूसेस इतना केजी ऑफ वेट स्टीम, वेट स्टीम दे दिया, विथ ए ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन दे दिया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, और ऑपरेटिंग एट 10 bar, ध्यान दीजिएगा, द कोल बर्न पर आवर इन द फर्नेस इज 5500 kg एंड फीड वाटर, मतलब आपको दो चीज़ की जरूरत है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टीम टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू ए फीड वाटर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस पर ये सब वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो हम यदि चाहें तो 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पर यही है ना, क्या है देखिए 40 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये मिल गया सेचुरेशन प्रेशर, और ये क्या मिल गया आपको, यही है ना 40 दिख रहा है आपको, और ये स्पेसिफिक इंथैल्पी मिल गया ऑफ वाटर, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ स्टीम, ये स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम था, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉरी स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेपर, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ यहाँ देखिए ये देखिएगा, पहले क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर स्टीम का, स्पेसिफिक इंथैल्पी वाटर वेपर और स्टीम का। ठीक है ना, तो अब ये 40 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मिल गया आपको 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वाटर
स्पेसिफिक इंथेल्पी ऑफ वेपर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक इंथेल्पी ऑफ स्टीम, फिर स्पेसिफिक इंट्रोपी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक इंट्रोपी ऑफ वेपर, स्पेसिफिक इंट्रोपी ऑफ स्टीम। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही चीज देखिए यहां पर ये निकाल करके लिखा है, ठीक है। तो आप गिवेन प्रेशर, गिवेन टेम्परेचर पर इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, फिर एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकाल लेंगे, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, अलग है, ठीक है ना। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे, आप भी कुछ क्वेश्चन कीजिए। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, तो आई होप कि आज ये स्टीम टेबल आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये और ज़्यादा तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। यदि आपको कहीं डाउट लगता है, बीच में वीडियो को 2 मिनट के लिए पाउज कर लीजिए, स्टीम टेबल देखिए, मैच करने की कोशिश कीजिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं दोनों एक दूसरे से मैच हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से स्टीम टेबल एक बार देखिए, आपको मज़ा आएगा। स्टीम टेबल यदि नहीं है अभी आपके पास, तो किसी भी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक में या थर्मोडायनामिक्स के बुक के अंत में, ठीक है, अपेंडिक्स में आपको ये स्टीम टेबल मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।